नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, आज हम परवल और पटाटो इसको मिक्स करके बढ़िया सी टेस्टी डिश, थोड़ा ग्रेवी टाइप का है, मसालेदार और ग्रेवी टाइप की डिश है, वो बनाते हैं। अब देखिए, मैंने परवल जितना लिया है उसका हाफ मैंने पटाटो ले रखा है, मतलब परवल का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट बिल्कुल ओवर पावर, पटाटो जो है उसका टेस्ट ओवर पावर कर लेगा, तो मैंने इसका हाफ क्वान्टिटी ले रखी हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो मसाले यूज होते हैं हम उसको पहले तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने अनियन ले रखी हूँ, यह रफली चॉप करा है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम पे बिठा दिया था, तो ऑयल गरम हो जाए उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, जीरा थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसको कुक करेंगे। देखिए, जीरा क्रैकल होना स्टार्ट हो गया है और ये ब्राउन कलर भी हो गया है, इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन होने नहीं देना है। अब इसमें डाल देते हैं अनियंस, इसको भी लाइट ब्राउन कलर होने तक कुक करेंगे। देखिए, अनियन भी लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, अभी हम इसको निकाल देते हैं और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों, इसमें थ्री टाइप्स ऑफ मसाले यूज होते हैं। तो फर्स्ट मसाले जो है ये अनियन एंड जीरा जो हमने अभी फ्राई करा था, अब इसको, और दूसरा मसाला जो है जीरा, ग्रीन चिली एंड गार्लिक, और तीसरा मसाला जो है कैश्यू नट एंड पॉपी सीड जो खसखस होते हैं वो। तो फर्स्ट हम ये जब तक ठंडे हो रहे हैं, ये थोड़ा गर्म है तो ठंडा हो रहा है, तब तक हम ग्रीन चिली और जो जिंजर है और जीरा, इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा जीरा फर्स्ट मसाला हम बनाते हैं। इसमें गार्लिक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखिए, तीनों मसाले रेडी हैं, कैश्यू नट एंड पॉपी सीड, जिंजर, ग्रीन चिली एंड जीरा, और ये फ्राइड वाला अनियन एंड जीरा पेस्ट, तीनों मसाले रेडी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जो हमने परवल मैंने रखा था उसको ऐसे लॉन्ग लॉन्ग में काट रखा है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, और इसका जो बॉडी है मैंने थोड़ा सा इसको स्क्रैच कर लिया था नाइफ में, तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो जिसमें मैंने अनियन और जीरा फ्राई करा था उसी में ही फर्स्ट में पोटैटो फ्राई कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर डाल देते हैं। देखिए, पोटैटो फ्राई हो गए, अब हम इसको निकाल देते हैं। ओनली लाइट ब्राउन कलर आए हैं, ज़्यादा चाहिए नहीं इसको। हमने पोटैटो निकाल लिया है, उसी ऑयल में ही हम ये परवल को फ्राई करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। तो देखिए, ये भी ब्राउन कलर हो गए हैं, तो अब इसको भी निकाल देते हैं। तो वेजिटेबल फ्राई रेडी है और मसाले भी रेडी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम गैस ऑन करते हैं। मैंने इस पैन में थोड़ा सा ऑयल ले रखी हूँ, तो उसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ऑयल गरम होते हैं तब तक हम इसका एक मसाला जो हमने ये ग्रीन चिली, जीरा और अदरक की जो पेस्ट बनाया था उसको एक कटोरी में ट्रांसफ़र करते हैं। जितना आपका अमाउंट सब्जी है उसी हिसाब से मसाले लें। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने इसमें डाला था ग्रीन चिली, तो ये सिर्फ कलर के लिए मैं थोड़ा डाल रही हूँ।
और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे क्योंकि डायरेक्ट कुक होंगे, कहीं जल ना जाए, तो इसमें थोड़ा सा मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। देखिए ऑयल गरम हो गए हैं, तो अभी मैं इसमें डाल रही थोड़े से खड़े मसाले। तो इसमें मैंने दो चार ब्लैक पेपर और ये मैंने कार्डमम को, जो ग्रीन इलायची, इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ दिया है, नहीं तो ये पूरा ब्लास्ट होते हैं। दालचीनी का छोटी टुकड़ा है और एक क्लोव और एक दो तेज़पत्ता, इन सबको डाल रही हूँ। बस इसको फ्लेवर छोड़ दे ऑयल में, फिर हम मसाला ऐड करेंगे। देखिए ऑयल की खुशबू आना स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम इसमें डालेंगे जो मैंने थोड़ा पानी डाल के मसाले बनाया था, उसको डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका ऑयल सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम डालेंगे कैश्यू नट और पॉपी सीड का जो पेस्ट बनाया था उसमें, इसमें डालेंगे। जितना आपका वेजिटेबल है उसी अमाउंट में डालें, मेरे जितना वेजिटेबल है 3-4 स्पून ही एनफ है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसी टाइम पर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, टर्मरिक पाउडर वगैरह सब डाल चुके थे हम, तो बस थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। इसको कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो अभी हम इसी टाइम में वेजिटेबल डाल देते हैं। ऑयल भी सेपरेशन स्टार्ट हो गया है। इसको 1 या 2 मिनट के लिए मिक्स करते हैं इसको। तो देखिए इसमें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम चेक करते हैं, पटाटो तो हमने हाफ फ्राई करा था, ये बॉयल हुआ कि नहीं, पूरी तरह से कुक हुआ कि नहीं चेक करते हैं। इसे पूरी तरह से कुक है, ये बिल्कुल ही कुक है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे जो लास्ट मसाला हमारा है, जो फ्राइड अनियन और जीरा का, ये बहुत अच्छे टेस्ट का काम आएगा, इसलिए मैं इसको लास्ट में डाल रही हूँ। मसाले से ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसको 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको, अगर आप इसका थोड़ा लिक्विड ज़्यादा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा और डालना चाहिए आपको पानी। मेरे को ड्राई चाहिए ये, तो मैं और वाटर ऐड नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा इसे कुक होने के लिए थोड़ा सा डाल रही हूँ, ताकि मसाले जो मैंने लास्ट को डाला था उसको थोड़ा सा कुक हो जाए। देखिए ये रेडी है, पूरा कुक हो गए हैं। लास्ट को मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कसूरी मेथी। दोस्तों ये परवल और पटाटो की सब्जी रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये सब्जी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब श्योर कर लें। थैंक यू।